नहीं देखो, कलिंगर का खजाना है 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया। अब निकाल लो, मस्त में अच्छे कलिंगर है। आज बन रहा है रमजान स्पेशल फॉइल चिकन। हाँ, जैसे शादियों में बनता है ना। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ढक कर 10 से 12 मिनट तक पका ली हूँ, अच्छी तरह से अलट पलट कर, अच्छी तरह से पलट के सब जगह से पका ली हूँ। अब गैस पे मैंने एक जाली रख दी हूँ, इसको चूल्हे पर इसको रख के इस तरह से हम सेक लेंगे हाई फ्लेम पर, और इसको काट के हम डाल देंगे। अब जाएगा इसमें सब्जा, 1 टेबल स्पून सब्जा मैंने भिगा के रखी थी, अब ये बीच में डाल देंगे इसमें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे थे। तो हमारी सहरी हो गई थी और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के सो गए। अभी मॉर्निंग हो गई है, अभी उठे हैं हम लोग, हमारा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे। आप सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से 17वां रोज़ा और 17वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे और आपके पूरे 17 रोज़ों को कबूल करे, और जो बाकी रोज़े बचे अल्लाह ताला उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पे रखने की तौफीक अता करे, और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको हर बीमारी से शिफा अता करे, और जो बेरोजगार है अल्लाह ताला उनको रोजी से लगाए, और जो रोजी पे अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए, और सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसे। चलो फिर अभी रोटी शुरू करते हैं, आखिर हम लोग जाएंगे, जो सामान लेना आपको आगे दिखा देंगे। तो अभी हम लोग उठ गए, तो अभी हमारा रूटीन भी स्टार्ट हो गया है, और पकाने का क्या है वो जाके सामान लेकर आते हैं, रेसिपी का वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, है ना। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग मार्केट चलते चले। चलो ये तो वो सैफान का एग्जाम चल रहा है, सैफान देखो क्या पढ़ाई कर रहा है, सोचो के दिखा आप जरा। सैफान को पढ़ने बोल रही हूँ ना, पढ़ने घंटा ला रहा था, सोचो के पढ़ रहा है, प्लेट फोड़ के पढ़ाई कर रहा है। सैफान सलाम करो, सलाम करो सैफान। अभी क्या उठा है तो बोलता है थोड़ा मुझे कंटाला आ रहा है पढ़ने के लिए, मैं बाद में पढ़ूंगा, उसको पढ़ा रही हूँ। IBS का पेपर है, 3 दिन छुट्टी है, पढ़ाई कर ले अच्छे से तरह से। वो बच्चे कैसा लोट फोड़ करके पढ़ती है, ऐसा दूर उधर जा इधर भाग उधर। तो उसको पढ़ाई करा रही थी, हम लोग भी तो ऐसी करे ना, हर किसी ने ऐसी पढ़ाई किया एग्जाम के लिए, कंटाला आता। अब क्या मुझे घर का भी देखना है, उसको पढ़ाना भी है, और रेसिपी वगैरह बनाना है, तो फिर वो सुनता नहीं है ना, तो गुस्सा आता है। चलो ठीक है, माशाल्लाह बच्चे सताती है। चलो अभी है 3 दिन उसकी छुट्टी है, उसमें कवर कर लेगा और पढ़ लेगा इंशाल्लाह। आप लोग भी अपने बच्चों को ध्यान से पढ़ाओ, पेपर का ये नहीं अभी पर पढ़ा, अच्छे नंबर से पास हो सब लोग बच्चे लोग, सब बच्चे अल्लाह करे अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए। चलो अभी मैं जल्दी से मार्केट जाके आती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। आम भी आ गया, आम कैसा दे रहा भाई? 120 रुपये किलो आम, 100 रुपये किलो एप्पल। ये अपना पाइप रोड है, खुला पाइप रोड। नहीं देखो, कलिंगर का खजाना है 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया। अब निकाल लो, मस्त में अच्छे कलिंगर है। चला ले ली, कैसा दिया? 60 रुपये बढ़ जाएंगे, चल ठीक है। ये पूरा खुला पैप अपना भाई, सामने मरकज मस्जिद है। तो अभी चिकन लेने आ गए हैं, चिकन 170 ले लिया फिर। तो अलहमदिल्ला मार्केट जाकर आ गए हम लोग, जो लेना था पकाने का सामान वो ले लिया, और थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिए, थोड़ा सा था फ्रिज में, थोड़ा बाकी था वो ले लिया। बहुत गर्मी है, पूरा गला जबान सूख रहा है, बहुत भूख है। और यही सब लेना था, कलिंगर, केला, दूध, चिकन से आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो बताऊंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फॉइल चिकन। क्या बात है? जैसा शादी वगैरह में हम लोग खाते हैं ना, फॉइल में लपटा हुआ रहता है चिकन, बिल्कुल उसी तरह का बनता है। मस्त आर्डर। हाँ, तो वो मैं बनाने वाली हूँ आज।
तो बनाऊंगी, आप लोगों को उसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो अभी चलो जल्दी से मैं नहा धो के फ्रेश होके नमाज पढ़ के आप लोगों को मिलूंगी डायरेक्ट किचन में रेसिपी बनाते वक्त। चलो मैं भी रेडी होता हूँ बुटीक पे जाने के लिए। मेरे शोहर भी चले जाएंगे, मैं भी अपना करते रहूंगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गया मेरा, अब मैं आ गई हूँ किचन में रेसिपी बनाने के लिए। तो देखिए आज रमज़ान स्पेशल में क्या बना रही हूँ। आज बन रहा है रमज़ान स्पेशल फॉइल चिकन। हाँ, जैसे शादियों में बनता है ना, फॉइल में लपटा हुआ चिकन रहता है, बिल्कुल उसी तरह से बनता है। तो मैं आज आप लोगों को मेरी तरीके से घर में बनाना बताऊँगी। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो फॉइल चिकन बनाने के लिए सबसे पहले ये देखो, मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल ले ली हूँ, ये ज़रूरी है, ये रख लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली हूँ 1 किलो चिकन। हाँ, 1 किलो चिकन के मैंने बड़े बड़े पीस करवा ली हूँ, और बड़े पीस को ना ऐसा कट्स लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए। देखिए बड़े पीस को मैंने कट्स लगा ली हूँ। अरे अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना चिकन मैरिनेट कर लेते। तो इसमें मैं डालूँगी सबसे पहला 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। तो ये देखिए सूखे मसालों में मैंने क्या क्या ली हूँ। यहाँ पर ली हूँ 2 चम्मच तंदूरी चिकन मसाला पाउडर, इधर ली हूँ 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। ये सूखे मसाले सारे हम चिकन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून पानी निकाला हुआ दही। पानी निकाल के मैंने दही को एकदम वो कर ली, हंकट हो गया है, ये 2 टेबल स्पून है। इसी के साथ जाएगा 1 नींबू का रस, यह चटपटा बनेगा तो अच्छा लगता है खाने में। तो 1 नींबू का मैं रस डाल दूँगी। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच तेल। तेल से क्या है ना, मसाला अच्छे से लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को हाथों से चिकन में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो सारे मसाले मैंने चिकन पे अच्छी तरह से लगा दी हूँ, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसको इसी तरह से रख देंगे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटे के बाद मैं आगे का आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 1/2 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है, ये देखिए। अब चलिए क्या करेंगे, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस पे मैंने एक पैन रख दी हूँ, पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 टेबल स्पून तेल मैंने डाल दी हूँ, गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम इसमें चिकन रखते जाएंगे। देखिए सारे चिकन के पीस रख देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए सारे चिकन के पीस मैंने पैन में डाल दी हूँ। अब क्या करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम करके इसको ढक के अलट पलट के 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। दोनों साइड से हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। वहाँ तक हम पका लेते हैं इसको ढक्कन डाल ढक के, ठीक है। अभी 10 से 12 मिनट में हमारा चिकन पकता है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ढक कर 10 से 12 मिनट तक पका ली हूँ अच्छी तरह से अलट पलट कर। अच्छी तरह से पलट के सब जगह से पका ली हूँ। देखिए हमारा चिकन जो है वो पक चुका है, देख सकते हैं आप लोग, इसका अच्छा कलर भी आया है। चलिए और 1-2 मिनट पकाती हूँ, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। तो माशाल्लाह ये हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। देखिए है ना, अच्छे से टूट रहा है, हमारा चिकन पक चुका है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। चिकन तो बन गया है, अभी चलिए इसका सॉस बना लेते हैं। गैस पे रखेंगे 1 कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। 2 चम्मच तेल मैंने डाल दी हूँ, तेल गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल में अभी हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन 2 चम्मच और बारीक चॉप किया हुआ अदरक 1 चम्मच डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन डाल के 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए, थोड़ा हल्का कलर आ जाए, वहाँ तक 1 मिनट फ्राई कर लेते। अदरक लहसुन जो है फ्राई हो चुका है,
अब इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तेल में लाल मिर्च डालने से ना कलर अच्छा आता है, लाल लाल। ये देखिए, जलाना नहीं है, बस एक सेकेंड। इसी में डाल देंगे हम काजू का पेस्ट। 15 से 16 काजू को भिगा के मैंने पेस्ट बना ली हूँ, ये भी डाल देंगे। काजू का पेस्ट डाल दी हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे काजू को। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर ये काजू का पेस्ट जो बनाए थे वो भी खंगाल के डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक काजू के पेस्ट को भून लेंगे। तो काजू के पेस्ट को मैंने 1 से 2 मिनट भून ली हूँ। चलिए अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 चम्मच ये चिकन मसाला एवरेस्ट का, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, इसके बजाय आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और 1/2 चम्मच मैंने ली हूँ चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक। ये सारे सूखे मसाले भी डाल देंगे। ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है मसाले में भी। ऐसा तो चिकन में तो सारे मसाले लगे हुए हैं, मसालों में भी थोड़ा टेस्ट आने के लिए थोड़े थोड़े मसाले डाल देंगे। तो मसाला डालकर भी भून ली हूँ। चलिए भून चुका है यहाँ पर। अब इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस के पेस्ट बना ली हूँ, ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चलिए अभी टमाटर का पेस्ट डालकर भी अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। टमाटर का पूरा पानी सूख जाने तक, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दी हूँ। अब क्या करेंगे, इसको ढक्कन ढक कर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं ढक्कन डाल दी हूँ, टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से भून जाए 5 से 6 मिनट तक, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे मसालों को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मशीन मसाले अच्छी तरह से भून गए, टमाटर भी भून चुका है ना, कढ़ाई ने तेल छोड़ दिया है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें जाएगा 1/2 कप फ्रेश क्रीम। मैं फ्रेश क्रीम डाली है, दूध की मलाई डाल रही हूँ। आप लोगों के पास दूध की मलाई नहीं है, फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं या इसके बजाय दही भी डाल सकते हैं। तो मैं ये 1/2 कप डाल रही हूँ मेरे दूध के ऊपर की मलाई। अब इसी के साथ जाएगा 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, टेस्ट अच्छा आता है ज़रा खट्टा मीठा। अब इसी के साथ मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के रेड चिल्ली सॉस। ये रेड चिल्ली सॉस भी इसमें चला गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून रेड ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर डालने से क्या होता है ना, कलर बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को फूड कलर नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा डालती हूँ, देखने में अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों को अभी मिक्स कर लेते। फ्रेश क्रीम वगैरह डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाहर जो हम खाते हैं ना, उन लोग कलर ही डालते हैं, तभी तो इतना रेड रेड रहता है उन लोग का। शादी वगैरह में जो खाते हैं हम, देखिए कलर कितना अच्छा आ गया इस पर, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। 1/2 कप के इतना मैं पानी भी डाल दूँगी। 1/2 कप पानी चला गया इसमें, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये चिकन डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये चिकन के पीस जो है वो एक एक करके हम इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए इसके सारे मसाले भी मैंने पोंछ कर डाल दी हूँ, मसालों का भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा उसमें। अब इन सब चीज़ों को ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। चिकन को, मसाले को, है ना, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त कलर आया है और दिखने में भी कितना मस्त लग रहा है। जितना दिखने में अच्छा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगने वाला है। चलिए अब क्या करेंगे, अब मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर ली हूँ। अब इसको ढक कर हम 5 मिनट पकने देते हैं, क्योंकि हमारे चिकन मसाले सब आपस में अच्छी तरह से लग जाए। तो 5 मिनट में पका लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे चिकन और ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं।
माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, अच्छी तरह से चिकन ग्रेवी अच्छी तरह से लिपट चुका है चिकन ग्रेवी में। और इतनी पतली चाहिए हमें, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसको फॉइल पेपर में डाल के रैप करना है, इसलिए बस इतना इतनी ग्रेवी रखेंगे इसकी, देख सकते हैं आप लोग है ना, इससे ज़्यादा नहीं सुखाएंगे इसको। अभी गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी, गैस का फ्लेम ऑफ करके अब इसको हम फॉइल पेपर में रैप करेंगे। तो चलिए अभी इसको हम चिकन को फॉइल में लपेट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर ले ली हूँ, इसमें रख देंगे हम चिकन, इसमें देखिए इस तरह से चिकन रख देंगे, फिर इसके ऊपर से हम ग्रेवी डाल देंगे। अभी इसके ऊपर से जाएगा कोथमीर, कोथमीर डाल देंगे हम। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, अच्छे से फोल्ड कर देंगे, यहाँ से भी ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको, ग्रेवी जो है बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे माशाल्लाह तो फोल्ड हो गया हमारा। इसी तरह से मैं और भी करके बताती हूँ आप लोगों को। चलिए एक और एक पीस मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। ऊपर से जाएगी ग्रेवी, एक पीस रखिए या दो पीस रखिए अपने हिसाब से। फिर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे ऐसे दबा के पैक कर लेंगे, और साइड से भी हम इसको पैक कर देंगे। इसी तरह से बना के हम सारे फॉइल पेपर में रख देंगे चिकन को। चलिए मैं ये सारे करके मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए मैंने चिकन को फॉइल में लपेट ली हूँ। अब क्या करेंगे, अब गैस पे मैंने एक जाली रख दी हूँ इसको चूल्हे पर, इसको रख के इस तरह से हम सेक लेंगे हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से सेक लेते, ज़रा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा चिकन में हमारे, चिकन फॉइल में जो है ना इस तरह सेकने पर स्मोकी फ्लेवर आता है। तो अच्छी तरह से मैंने सब तरफ से इसको स्मोक दे दी हूँ। चलिए अभी इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे चिकन पे मैं स्मोक देती हूँ। चलो स्मोक देके मैं निकालती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने चार चिकन फॉइल बना के रेडी कर ली हूँ। जैसे हमको बनाना है वो फॉइल में डाल के हम बना सकते हैं। बाकी अभी तो मैं चार बनाई हूँ, अभी एक जो है वो मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही गर्म गर्म है माशाल्लाह। देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त हमारा फॉइल चिकन बन के रेडी हो चुका है, और एकदम स्मोकी खुशबू भी आ रही है क्योंकि हमने इस पे गैस पे स्मोक दी है ना, तो बहुत अच्छी खोलने के बाद इसकी स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा चिकन फॉइल जो है बन के रेडी हो चुका है, शादियों वाला चिकन फॉइल। देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त बना है। तो अभी मैं आप लोगों को ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से किस तरह से हमारा चिकन फॉइल पका हुआ है। देखिए माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट चिकन गला हुआ है। ये देखिए अभी तो बहुत गरम गरम है, इसीलिए ठंडा होने पर खाइए, बहुत गरम गरम है चिकन फॉइल। तो ये हमारी रेसिपी, ज़बरदस्त था फॉइल चिकन बनके रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप लोग इसे स्टार्टर के तौर पर भी खा सकते हैं, या तो फिर इसको ग्रेवी के साथ, ग्रेवी है इसमें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इस तरह से खाइए बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये फॉइल चिकन की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग भी इस रमज़ान अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी और बहुत इजीली बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देख सकते हैं आप लोग मैंने आप लोगों को किस तरह से बनाना बताई है ना। चलिए अभी और भी इस तरीके का सामान बनाना है वो भी हमें आप लोगों को आगे दिखाती हूँ।
तो फॉइल चिकन तो बन गया हमारा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाने जा रही हूँ मोहब्बत का शरबत। हाँ आज हम लोग मोहब्बत का शरबत पीने वाले हैं, तो आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत जल्दी और बहुत इजीली बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध ले ली हूँ, इसको मैं गर्म करके ठंडा कर ली हूँ। आप लोग ठंडा भी ले सकते हैं, गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये मेरा गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है। और इसमें मैं डालूँगी आधा कप शुगर सिरप, यानी मैंने शक्कर को पानी में अच्छे से पिघला के इसकी चाशनी बना ली हूँ। ये मैं डाल दूँगी हाफ कप। इसमें मैं डालूँगी हाफ कप रूह अफ़ज़ा। मैं रूह अफ़ज़ा भी डाल रही हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। रूह अफ़ज़ा डालो या रोज़ सिरप डालो एक ही बात है। तो ये मैं हाफ कप रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। रूह अफ़ज़ा भी मीठा रहता है। ये मैं हाफ कप डाल दी। अब डालेंगे हम कलिंगर। कलिंगर का एक पीस मैं इस तरह से कट करके डाल दूँगी, पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े करके। मोहब्बत के शरबत में ना कलिंगर ही डाला जाता है, तभी इसको मोहब्बत का शरबत बोलते हैं। आप लोग पिए होंगे बाहर बहुत जगह, बम्बई में हो या माहिम में, हर जगह ये मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं घर में बनाना आप लोगों को बताती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है 5 मिनट में। ये देखिए अभी ऊपर से इस तरह से काट के हम डाल देंगे कलिंगर इसके अंदर। ये जो बींज है ना, ये बींज निकाल लेंगे, बींज नहीं डालेंगे। बींज इस तरह से निकाल के साइड में कर लेंगे और इसको काट के हम डाल देंगे। चलिए तो ये मेरा कलिंगर भी मैंने डाल दी इसके अंदर। अब क्या जाएगा, अब जाएगा इसमें सब्ज़ा। 1 टेबल स्पून सब्ज़ा मैंने भिगा के रखी थी, अब ये भी इसमें डाल देंगे। इसमें अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए तैयार हो गया हमारा मोहब्बत का शरबत। अब इसमें जाएगा आइस क्यूब, थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। देख सकते हैं आप लोग कितना जल्दी बन के रेडी हो जाता है मोहब्बत का शरबत, है ना? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट में जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। और पीने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने आप लोगों को बहुत इजीली बनाना बता दी मोहब्बत का शरबत। देखिए अभी इसे गिलास में डाल के सर्व करते हैं। फिर देखिए अभी मोहब्बत का शरबत हमारा रेडी हो गया है। चलिए गिलास में डाल के इसको सर्व करते। देखिए मैंने डाल दी मोहब्बत का शरबत ग्लासेस में। अब इसके ऊपर से जाएगा कुछ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डालना अपने पसंद से और अच्छा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी मोहब्बत का शरबत बनके रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी मोहब्बत का शरबत बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, इजीली 5 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करना, रमज़ान में बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा पीने के लिए। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी मोहब्बत के शरबत की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है चलो अभी मुझे और भी काम है, अभी मुझे भजिए वगैरह भी तलना है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर अभी कांदे के भजिए तल रही हूँ, देखो अभी नमाज़ पढ़ के आई हूँ असर की। अभी यहाँ पर भजिए तल रही हूँ, बस अभी कांदे के भजिए तलना है, उसके बाद सब हो गया मेरा। फिर दस्तरखान लगा के अफ्तारी लगा देती हूँ। चलो फिर अफ्तारी करते वक्त मिलते हैं। तो दस्तरखान लग गया हमारा, चलिए अभी मैं दुआ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अजान होने में अभी 5 मिनट बाकी है। दुआ पढ़ के तैयारी करते हैं। चल अजान हो रही है, दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्माइनी लगासुंतु बिकामंतु वालेका तवक्कलतु वाला रिस्की का अफ्तरतु को तकब्बल मिन्नी। चलो रोज़ा खुलते नहीं। तो माशाल्लाह अफ्तारी हो गई हमारी, अफ्तारी हो गई और मगरिब की नमाज़ हो गई। नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ और अब बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। हाँ 3 बार रोज़ा रहता है, मार्केट जाना पड़ता है, काम रहता है, आप लोगों को दिखाने का रहता है रेसिपी बना के अच्छी अच्छी नई नई, है ना? तो दिन भर काम करके अभी फुर्सत मिलती है, तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ।
और कैसा लगा आप लोगों को हमारा फॉइल चिकन? माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बना था, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया। हाँ बिल्कुल, शादियों में जैसे हम खाते हैं ना फॉइल चिकन, उसी तरह से बनता है। और मसाला भी उसका, ग्रेवी इतनी टेस्टी बनी थी, आप लोगों को क्या बताऊँ। आप लोग भी अपने घर में एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखना, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजीली बन जाता है और खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। और साथ में बनाए थे मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत का शरबत तो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, तो आप लोगों को दिखा दी है ना। कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरा दिन भर का रूटीन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अभी ये वीडियो को एंड कर देती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आफरीन दस्तरखान। चलो अल्लाह हाफिज़।